आई होप यू ऑल एब्सोल्युटली फाइन। बस अभी यहाँ हो जाए कुछ 12:46 और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ 35। अभी यहाँ पर एसी में तो एसी में इसलिए आपको गर्मी नहीं लग रही, लेकिन बाहर निकलेगा तो पता चलेगा आपको कितनी गर्मी लगने वाली है यहाँ पे। और अभी बस यहाँ से निकल के हम जाएंगे कुछ गेटवे ऑफ इंडिया को विजिट करने के लिए। बाद में वहाँ से हमें ताज होटल भी देखेंगे, फिर उसके आगे कुछ शॉपिंग करनी है आपको। यहाँ पे KGN मार्केट है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे आपको कपड़े भी मिल सकते हैं, शूज़ भी मिल सकते हैं, वॉच भी मिल सकती है और सारी बहुत सारी एक्सेसरीज भी मिल सकती है। तो बस कुछ सारी चीज़ों कुछ शॉपिंग कर लेंगे, अच्छा लगा तो पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे मतलब कुछ और ज़्यादा विजिट कर लेंगे, कहीं और कोई अच्छे प्लेस हो मुंबई में तो वहाँ पर विजिट कर लेंगे। हमारे पास आज का दिन है, आज के दिन हमको जितना चाहे उतना घूमना पड़ेगा आज को, क्योंकि कल सुबह में हमारी 1 बजे की ट्रेन है रिटर्न की, तो आज के दिन हमको बहुत ही घूमना पड़ेगा। जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ पर घूम लेंगे। बस चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इस रूम से। बाहर आते ही पता चल गया कि बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करूँ यहाँ पे मुंबई का तो कुछ 31 है, लेकिन मुझे लगता नहीं 31 होगी, यहाँ पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। दोस्तों बैठे हैं मुंबई सेंट्रल से बस में, लोकल ट्रेन महाराष्ट्र कॉलेज के पीछे गई। यहाँ से अब यहाँ से हमने गेटवे ऑफ इंडिया की टिकट ली है, डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं यहाँ से। फाइनली गाइस हम यहाँ पहुँच गए मुंबई मेन पुलिस हेडक्वार्टर के पास। अभी यहाँ पे उतरे, यहाँ पे नज़दीक ही यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया की सर राइट। फाइनली गाइस हम रिच हो चुके हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ आप देख सकते हो होटल ताज। हेलो गाइस, हम यहाँ पे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच गेटवे ऑफ इंडिया से निकले थे, एलिफंटा गुफा की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हो आप चाय और मेरे सिर्फ दरिया ही दरिया है। और शायद हमको जाना है की और जाना है
गाइस अभी हम एलिफेंटा केव से आए हैं। यहाँ पे पूरा दिन निकल गया, यहाँ पे 2:30 के गए थे, अभी बज गए कुछ 6:30 या 7 बजे के आसपास बज गए। पूरा दिन यहाँ पे ही निकल गया हमारा। अब कुछ जाएंगे हम जूहू बीच, थोड़ा घूम लेंगे जूहू बीच। दोपहर को खाना भी नहीं खाया, सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, अभी रात को ही डायरेक्ट खाना खाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इधर उधर दरिया है और ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया। सांप लेके आया सांप। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये होटल ताज है। आप बता सकते हो ये कौन सी बिल्डिंग है, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है? अगर आपको पता हो तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बिल्डिंग है। हेलो गाइस, प्लेन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है क्योंकि आपको पता है यहाँ से तो जो भी 1 घंटे का रास्ता था ही प्लेन से, लेकिन वहाँ से भी हमारा रूम कुछ 6 किलोमीटर से ज़्यादा था और ऊपर से ट्रैफिक भी, मतलब हमको पूरा 11 बजे हम रूम पे पहुँचते तो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे अभी कुछ फैशन स्ट्रीट में जा रहे हैं जहाँ पे शॉपिंग करेंगे थोड़ा बहुत, अगर कोई अच्छा सामान मिल गया तो। दोस्तों अभी बजे कुछ रात के 11 बजे, हमने खाना भी खा लिया, शॉपिंग भी कर ली है और सब रात के 11 बजे मतलब जाके रूम में सो जाए क्योंकि हमको घूमना बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी कुछ घूम नहीं पाए। टाइम कम था और घूमना ज़्यादा था लेकिन क्या करें, अब टाइम हो गया बस। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना मत भूलना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ कुछ और दिन। चलिए, गुड नाइट।